पिछले कुछ दिनों से बड़ी बजट वाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है। इनमें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, अब बारी है 2.0 और जीरो की। क्योंकि ये फिल्में बहुत बड़े बजट की होने के साथ साथ बड़ी स्टारकास्ट वाली भी थी, तो YouTube पर इन फिल्मों के ट्रेलर के व्यूज 10-10 करोड़ तक गए, स्पेशली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो के। लेकिन इन सब के बीच एक और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो है कन्नड़ा फिल्म KGF। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से KGF का ट्रेलर उन तीनों ट्रेलर से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा पावरफुल और कहीं ज्यादा एक्साइट करने वाला है। ट्रेलर में लाइट्स, अंधेरे और कैमरे का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। इस फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो के ट्रेलर्स की तरह 10-10 करोड़ व्यूज तो नहीं मिले, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का हश्र तो आप हाल ही में देख ही चुके होंगे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। KGF के YouTube व्यूज उतने ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका जरूर साबित हो सकता है। फिल्म के लीड एक्टर यश इस ट्रेलर में डेडली लुक में नजर आ रहे हैं। एक्शन तो पावरफुल लग ही रहा है, लेकिन डायलॉग्स का वजन भी कोई कम नहीं है। कुछ जबरदस्त हथौड़ा मार डायलॉग्स इस ट्रेलर में सुने जा सकते हैं। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि फिल्म के लीड एक्टर यश, जो कि रॉकी नाम का किरदार निभा रहे हैं, उनकी लाइफ शुरू होती है मुंबई के फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने से। और पता नहीं क्यों इस सीन को देख के मुझे दीवार के अमिताभ बच्चन के बचपन वाला सीन याद आ गया। वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एनीवेज, ट्रेलर में आगे देखा जा सकता है कि कोलार पहुंचकर शुरुआत होती है उसकी असली लड़ाई वहां के लोकल गुंडों से। फिल्म की स्टोरी कैसी होगी ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ट्रेलर में इस फिल्म को प्रेजेंट करके दिखाया गया है वो ऑसम है। 80 करोड़ के बजट में एक पीरियड फिल्म को बनाना कोई इजी काम नहीं होता है। पीरियड फिल्मों में सेट्स और लोकेशन पर अच्छा खासा खर्चा होता है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की ये सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक लो पॉइंट से, मतलब एक बच्चे के पैदा होने से, और ट्रेलर के एंड आते आते तक ये फिल्म बड़ी होती चली जाती है। ये बच्चा बड़ा होके गोल्ड माइन में मजदूरी करना शुरू करता है, लेकिन इसका सपना तो दुनिया हथियाने का था। ट्रेलर में जिस तरह के एक्सप्रेशन यश ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक एक सीन, एक एक शॉट दमदार है, इम्प्रेसिव है। ट्रेलर की बहुत सारी खास चीजों में से एक खास चीज है इस ट्रेलर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि इस ट्रेलर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। फिल्म जैसी भी हो, लेकिन फिलहाल इस ट्रेलर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। सही एक्शन के साथ सही बैकग्राउंड म्यूजिक के बीट्स इस ट्रेलर को जबरदस्त बनाता है। फिल्म की एक्ट्रेस श्रीनिधि 2016 के मिस दीवा में मिस सुपर नेशनल का खिताब भी जीत चुकी है। एक तरफ जहां बॉलीवुड अभी भी लव किस और रोमांटिक स्क्रिप्ट से ऊपर नहीं उठ पा रही है, वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री अचानक से इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड धमाका कर देती है। इस ट्रेलर में भी देखा जा सकता है कि कहीं एक सीन में भी लव या रोमांस को जगह नहीं दी गई है। फिल्म में लालच और पावर को प्रायोरिटी पे रखा गया है। 70s-80s के वक्त वाली ये फिल्म फिलहाल ट्रेलर में जबरदस्त नजर आ रही है। चलिए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। फिल्म का डायरेक्शन किया है प्रशांत नील ने, जिन्होंने 2014 में उग्रम नाम से एक फिल्म बनाई थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें कन्नड़ा फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। 2014 में एक सफल डायरेक्टर बनने के बाद भी इन्होंने अपनी अगली फिल्म को बनाने में 4 साल लिए, क्योंकि KGF फिल्म को बनाने के लिए ढेर सारे रिसर्च की जरूरत थी, जिसमें काफी वक्त लग गया। इसी तरह का पैशन एक फिल्म डायरेक्टर में होना भी चाहिए। इस फिल्म के रिसर्च में करीब 1.5 साल लग गए थे। KGF फिल्म के लीड एक्टर यश को फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत ने उनकी एक फिल्म गुगली में देखा था, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो गए थे। गुगली एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन उस वक्त यश बड़े एक्टर्स की लिस्ट में नहीं आते थे। लेकिन गुगली फिल्म में उनकी एक्टिंग को देख के डायरेक्टर प्रशांत नील ने उसी वक्त उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया था। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स।
कोलार बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है जो इतिहास में कई वजहों से जानी जाती है। कोलार को गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां पर गोल्ड माइंस हुआ करती थी। 2016 में रिलीज फिल्म मस्ती गुड़ी की शूटिंग के वक्त दो एक्टर्स अनिल कुमार और राघव उदय की एक हादसे में मौत हो गई थी। एक्चुअली फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करते हुए उन्हें एक चॉपर से जो कि 60 फीट की ऊंचाई पर था, वहां से उन्हें पानी में छलांग लगाना था और उस पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस इंसिडेंट की वजह से केजीएफ फिल्म की सारी कास्ट और क्रू का सेफ्टी के तौर पर पहले इंश्योरेंस किया गया था। इस बारे में फिल्म के लीड एक्टर यश का कहना था कि हम एक फिल्म को बनाने में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन कास्ट और क्रू की सेफ्टी के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते हैं। अगर कुछ पैसे इनके इंश्योरेंस पर खर्च किए जाएं तो अच्छा होगा, और हो सकता है कि आगे चलकर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ये ट्रेंड हो जाए। फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करती नजर आएंगी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। 1970 में रिलीज्ड डॉक्टर राजकुमार की फिल्म परोपकारी के एक सॉन्ग को यहां रिक्रिएट करके दिखाया जाएगा, जिस पर तमन्ना भाटिया का डांस आपको देखने को मिलेगा। इस सॉन्ग को करने के लिए तमन्ना भाटिया ने 50 लाख रुपए लिए थे। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में रही हैं जिन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया गया है, लेकिन कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की ये पहली फिल्म होगी जिसे 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में डबिंग करके रिलीज किया जाएगा। फिल्म बेस्ड है ताकत और लालच पर। 1978 में सोने का भाव आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। ये फिल्म भी उसी वक्त की है जिसमें सोने को पाने की लालच और अंडरवर्ल्ड का दबदबा इस फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। केजीएफ फिल्म के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर फिल्म का स्क्रिप्ट पावरफुल हो और बजट का कोई इश्यू ना हो तो फिल्में दो पार्ट्स में रिलीज होती रही हैं, जैसे कि बाहुबली, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है। ट्रेलर में दिखाए गए किसी भी सीन में वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि रियल सेट्स बना के शूट किया गया है। फिल्म में लीड एक्टर्स के अलावा भी कुछ बेहतरीन एक्टर्स ने काम किया है, जैसे कि अनंत नाग, अच्युत कुमार, रम्या कृष्णन। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस फिल्म का क्रेज इसी तरह से बढ़ता गया तो फिल्म रिलीज होने तक ये शाहरुख खान के फिल्म जीरो को कमाई के मामले में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। हालांकि ये साउथ की फिल्म है और ऑब्वियस है कि उसी वक्त फिल्म जीरो भी रिलीज हो रही है, तो मेरे ख्याल से इस फिल्म को नॉर्थ में ज्यादा स्क्रीन्स तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ असर तो जरूर डाल सकती है। मैं अक्सर कहता हूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से कुछ न कुछ नया करने में विश्वास रखती है, फिर चाहे वो स्क्रिप्ट हो, स्क्रीन प्ले हो, वीएफएक्स हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो। जबकि हर नए काम को करने में रिस्क तो होता ही है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड बहुत सेफ गेम खेलता है। ऐसी स्क्रिप्ट्स पर फिल्म बनाता है जिसमें ऑलरेडी पता होता है कि फिल्म इतनी कमाई तो कर ही लेगी। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 21 दिसंबर 2018 को। हिंदी में इस फिल्म को रिलीज करेंगे फरहान अख्तर। तो दोस्तों रेडी हो जाइए इस धमाकेदार फिल्म को देखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उन्हें महीनों का काम मिलता है। फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फिल्म के रिलीज होने तक की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है।
जिसमें बहुत सारा पेशेंस, मेहनत और ढेर सारा पैसा लगता है। प्रोड्यूसर्स इस उम्मीद के साथ एक फिल्म को बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं ये सोच के कि जब फिल्म रिलीज होगी तो उन्हें उनका पैसा प्रॉफिट सहित वापस मिल जाएगा।